हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो द वर्ल्ड ऑन मैप चैनल में। तो आज हम देखेंगे SCO के सभी कंट्रीज़ को, उनके ऑब्जर्वर मेंबर को। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इसके कुछ फीचर्स यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में यदि हम बात करेंगे, ये कब फॉर्म हुआ, कब इसकी पहली मीटिंग हुई, कौन से इसमें एक्चुअली मेंबर स्टेट है। उसके अलावा एक्चुअली इसको एक नाटो का कहीं ना कहीं काउंटर पॉइंट भी देखा जा रहा है, और वेस्ट को एक्चुअली टैकल करने के लिए एक नया खबर आई है कि ईरान और बेलारूस को जो है इस बार जब सितंबर में समिट होगा SCO का, तो कहीं ना कहीं ईरान और बेलारूस को जो है एक ऑफिशियल मेंबर मान लिया जाएगा, जो कि अभी कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वर मेंबर है। तो हम इसको भी देखेंगे कि नाटो से एक्चुअली SCO कैसे अलग है। तो उससे पहले यदि हम मेंबर की बात करें, मेंबर कंट्रीज को, तो यहाँ पर आपको बड़ा सा रशिया दिख रहा होगा, उसके अलावा यहाँ पर देखें तो कजाकिस्तान दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको उज्बेकिस्तान दिख रहा होगा, यहाँ पर यदि आप छोटा सा देखें तो एक किर्गिस्तान दिख रहा होगा, ये हरे में यदि आप देखें तो तजाकिस्तान दिख रहा होगा, उसके अलावा यदि आप यहाँ पर देखें तो ये आपको पाकिस्तान दिख रहा होगा, उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको हमारा प्यारा भारत दिख रहा होगा कहीं ना कहीं, और उसके बाद यदि हम बात करें तो चाइना दिख रहा होगा। यदि मैं बता दूं तो इसमें ये जो सभी आपको देश दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं छह देश की यदि मैं बात करूं, तो ये एक्चुअली फाउंडिंग मेंबर है। फाउंडिंग मेंबर यानी कि जिन्होंने SCO का गठन किया। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो इंडिया और पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इनको 2017 में जो है एक्चुअली इंडक्ट किया गया SCO में, यानी कि इनको मेंबर बना लिया गया। उसके बाद यदि मैं ऑब्जर्वर मेंबर की बात करूं तो यहाँ पर आपको रशिया का पड़ोसी देश और चाइना का पड़ोसी देश यहाँ पर दिख रहा होगा। एक्चुअली ये है मंगोलिया, ये ऑब्जर्वर मेंबर स्टेटस में आते हैं। उसके अलावा यदि अफगानिस्तान को देखें तो ये भी यहाँ पर यदि देखें तो ये भी जो है एक ऑब्जर्वर मेंबर है। उसके अलावा यदि आप दिया यहाँ पर पूरा ईरान को देखें तो ये भी एक्चुअली एक मेंबर स्टेट है, ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट है, जो कि हो सकता है इस बार पूरा मेंबर, ऑफिशियल मेंबर कहीं ना कहीं बन जाए। उसके अलावा यदि आप ये वाला देखें यहाँ पर रशिया का जो पड़ोसी देश है कहीं ना कहीं बेलारूस, वो भी एक्चुअली एक अभी ऑब्जर्वर मेंबर है, हो सकता है कि इस बार ये भी जो है ऑफिशियल मेंबर बन जाए और इसको मेंबरशिप मिल जाए। तो ये चार जो है ऑब्जर्वर मेंबर है SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। तो यदि मैं बात करूं तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक परमानेंट, ये वर्ड बहुत की वर्ड है यदि आप बात करें तो, ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा बात करें तो ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू बेसिकली द पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। तो इसका मेन एम जो है वो पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को बनाए रखना है। उसके बाद यदि बात करूँ तो इसका गठन जो है वो 2001 में हुआ है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ तो मेंबर मैंने आपको बता ही दिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान और ईरान अभी मेंबर नहीं बना है। आपको बता दूं कि ईरान जो है इस साल कहीं ना कहीं मेंबर बन सकता है। उसके अलावा यदि हम बात करूं तो SCO चार्टर जो है वो साइन हुआ 2002 में। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो ये जो फोर्स में आया वो 2003 में आया। तो प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ SCO इन 2000, तो बेसिकली इसको शंघाई 5 बोला जाता था। एक्चुअली इसको 6 देशों ने मिलकर बनाया था, लेकिन एक मेंबर जो था वो थोड़ा सा लेट जुड़ा था। तो यहाँ पर देखें तो आप कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान वर मेंबर्स ऑफ शंघाई 5, ध्यान रखिएगा। तो शंघाई 5 1996 इमर्ज्ड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन एंड डिमिलिटराइजेशन ऑफ टॉक्स ऑफ फॉर्म सोवियत यूनियन रिपब्लिक विद चाइना टू एंश्योर स्टेबिलिटी अलॉन्ग द बॉर्डर। यदि मैं बात करूं तो ये जो उज्बेकिस्तान था, जब इसको 2001 में ले लिया गया तो ये शंघाई 5 से बदल कर इसका नाम जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान एक फाउंडिंग मेंबर नहीं है, इनको 2017 में जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया गया। ऑन 17 सितंबर 2021 ये बात चली थी कि ईरान को जो है एक्चुअली इसका मेंबर बनाया जाए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, बेसिकली टू काउंटर दी वेस्ट और नाटो, यानी कि नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको काउंटर करने के लिए, वेस्ट को काउंटर करने के लिए। उसके लिए यदि मैं बात करूं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर काम करता है वो है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, बेसिकली टू कॉम्बेट टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। यदि मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं कि क्या है SCO के ऑब्जेक्टिव, यहां पर आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा एक्चुअली डेमोक्रेटिक, फेयर एंड रैशनल इंटरनेशनल एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्डर। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो आपको मैंने शुरू में ही बताया कि पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी पूरे रीजन में जो है उनको एस्टेब्लिश करना इनका एक काम है। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इनहेंसिंग टाइम इन एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, जो बेसिक चीजें होती हैं। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो प्रमोटिंग इफेक्टिव कॉपरेशन इन द ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। उसके अलावा यदि हम पांचवा ऑब्जेक्टिव देखें तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि स्टेब्लिशिंग द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड नेबरहुड अमंग द मेंबर स्टेट। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ शंघाई और कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ अच्छा ही चलता रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट जो कि गलवान में देखने को मिला। उसके अलावा यदि हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान का
कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो एक्चुअली इसको एक वेस्ट और नाटो कंट्रीज के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं भारत इसके पक्ष में नहीं है। और भारत चाहता है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया शामिल है उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर चले, ना कि किसी कंट्री को काउंटर करने की तरफ देखे या किसी कंट्री या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काम करे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एससीओ को कहीं ना कहीं एक काउंटर करने के लिए देखा जा रहा है नाटो को और वेस्ट को, लेकिन एक्चुअली एससीओ कैसे अलग है नाटो से हम ये देख लेते हैं। यदि मैं बात करूं तो एक्सपांशन ऑफ नाटो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि संघाई कोऑपरेशन एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी भी पक्ष में झुकने को तैयार नहीं है, जिसको हम बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट और नॉट टारगेटिंग अ थर्ड पार्टी। वाइल नाटो इज बेस्ड ऑन द कोल्ड वॉर थिंकिंग, यानी कि या तो आप इस तरफ आ जाओ यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ आ जाओ, या तो आप रशिया सोशलिस्ट कंट्री, बेसिकली आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो कि कोल्ड वॉर के समय हुआ था कहीं ना कहीं नाटो जो है उससे निकलकर बना है। उसके अलावा यदि मैं बता दूं तो सिक्योरिटी के यदि हम बात करें तो एससीओ यदि बिलीव करता है एक्चुअली वन शुड बिल्ड इट्स सिक्योरिटी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर कंट्रीज व्हाइल नाटो इज क्रिएटिंग इट्स न्यू एनिमी टू सस्टेन इट्स ओन एग्जिस्टेंस। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो इंटरनेशनल ऑर्डर फेयरर एंड मोर रीजनेबल इन एससीओ मेंबरशिप रादर देन नाटो। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो अग्रीमेंट्स ऑन कनेक्टिविटी एंड हाई एफिशिएंसी। नाटो में यदि आप देखेंगे तो बेसिकली जो है वो मिलिट्री को लेकर ही चर्चा होती है, लेकिन अभी जो सितंबर में मीटिंग होने वाला है एससीओ का, उसमें कहीं ना कहीं जो है नाटो के जो हाई एफिशिएंसी ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी है उस पर कहीं ना कहीं लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली जो है वो चर्चा होने वाली है। तो ये जो है मैंने एक्चुअली आपको पूरा बताया कि क्या था एससीओ मेंबरशिप, कैसे ये नाटो से अलग है, इसको क्या नाटो का काउंटर या वेस्ट करने के लिए देखा जा सकता है। तो ये जो है मैंने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए मैप के साथ।